स्टूडेंट्स गुड इवनिंग बस हम यहाँ एक मिनट में क्लास को शुरू करते हैं आज हम एक तो एन्वायरमेंट को खत्म करेंगे ठीक है एनवायरमेंट के अलावा आज हम कोशिश करेंगे कि कम से कम साइंस uh, और टेक्नोलॉजी को पूरा खत्म करें और नेशनल के जो न्यूज है उसमें से कुछ हद तक लें ठीक है तो एन्वायरमेंट को पूरा खत्म करेंगे साइंस और टेक्नो साइंस और टेक्नोलॉजी को पूरा खत्म करेंगे ठीक है एनवायरमेंट हमने पिछली क्लास में शुरू कर दिया था थोड़ा सा इनवायरमेंट हो गया थोड़ा सा बचा है एनवायरमेंट खत्म करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूरा खत्म करेंगे और नेशनल और स्टेट न्यूज़ को थोड़ा थोड़ा ठीक है ज़्यादा न्यूज़ को पूरा नहीं खत्म कर पाएंगे जितना होता है उतना कर लेंगे ठीक है तो गुड इवनिंग पारस गुड इवनिंग नितिन ठीक है तो बस एक मिनट हम और वेट करते हैं उसके बाद हम क्लास को स्टार्ट करेंगे ठीक है गुड इवनिंग उमेश ठीक है सुनो तो अगर आप लोगों को याद हो कल हमने जो लास्ट यहाँ पर इन्वायरमेंट कैटेगरी में पढ़ा था सिक्सटीथ ऑफ दिसंबर को होता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर ठीक है तो ओजोन लेयर के बारे में मैंने आपको कल बताया था सोलह सितंबर को हम इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर को ऑब्जर्व करते हैं ठीक है थीके? थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पर ओजोन के बारे में भी बता दिया ये कितनी इंपॉर्टेंट लेयर है अर्थ के एटमोस्फेयर में जो कि हमको यूवी वी वायलेट सॉरी यूवी रेडिएशन से बचाती थी और ओजोन आपको कहाँ पर मिलेगी अगर जो प्लान्ट और उसका एटमोसफियर उसको लेयर्स में डिवाइड किया जाए तो ट्रोपोस्फियर स्टाटोस्फियर मीजोस्फियर थर्मोस्फियर एग्जोस्फियर ठीक है इसी तरह से ऑर्डर चलता है और इसमें आपको सेकेंड नंबर मिलेगी ओजोन तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्लाइड्स भी शेयर करी थी ठीक है गुड इवनिंग लवेश गुड इवनिंग उदय गुड इवनिंग कनिष्का तो प्लीज़ आप यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें मुझे एक बार कंफर्म कर दो सबसे पहले आप इन लोग ये कंफर्म कर दो कि ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही क्लास की ऑडियो और वीडियो क्लियर है फिर आप लोग मुझे ये बता दो कि मैंने आपको बहुत सारी स्लाइड्स शेयर करी थी क्या आपको सारी स्लाइड्स मिल गए हैं या फिर अभी भी कोई स्लाइड्स पेंडिंग है ठीक है तो ये दो चीज़ें मुझे कन्फर्म कर दो ताकि हम क्लास को आगे बढ़ा सकें ठीक है तो आई होप आप लोगों सब को सबको यहाँ पर स्लाइड्स मिल गई हैं ठीक है अगर आप लोगों को स्लाइड्स नहीं मिली तो जिनके साथ भी आप कॉन्टैक्ट में हो इंस्टीट्यूट में आप उनको मैसेज करो मैंने आपके सारे ग्रुप्स पे स्लाइड्स डलवा दी थी, थे ठीक है तो वो स्लाइड्स एक पी फॉर्मेट में है बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है कुछ दिनों में या फिर अगर उसके बाद भी आपको एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हो हर जगह जहाँ करंट अफेयर्स पूछेंगे ये स्लाइड्स आपको हेल्प करेगी ठीक है तो ठीक है और आप लोग बोलो कि आवाज़ भी क्लियर है ठीक है स्टूडेंट्स तो कल हमने लास्ट यहाँ तक किया था सिक्सटीथ ऑफ सितंबर को होता था इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ़ दी ओजोन लेयर ठीक है ऐसे हम आगे कर रहे हैं तो कल मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था ओजोन क्यों इंपॉर्टेंट है ओजोन आपको कहाँ पर मिलेगी ठीक है ओजोन मतलब ओथी नेक्स्ट इंडिया ऑब्जर्व हाइएस्ट रेनफॉल सिंस नाइनटीन तो नाइनटीन के बाद इंडिया ने दो में हाइएस्ट रेनफॉल ऑब्जर्व करी जब भी कोई ऐसी चीज़ है ना रेनफॉल या फिर साइक्लोन या वेदर रिलेटेड चीज़ आपको हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनोगे इंटर इंडियन मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट आई ठीक है तो ये वाली चीज़ को बाद में डिस्कस करते हैं पहले आई के बारे में समझ लेते हैं तो इंडियन मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट ये काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ठीक है तो हमारी कंट्री में एक मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है उसके अंदर एक काम करता है ठीक है तो यहाँ पर जो इंडियन मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये काम द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ठीक है और इसको बनाया गया था 1875 इसको ध्यान रखना बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है 1875 में बना था इंडियन मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट इनका काम क्या है इनका काम है हमारी कंट्री में वेदर फोरकास्टिंग करना कि कहाँ पर वेदर किस तरह से रहेगा ऑब्जर्वेशन करना कि वेदर किस तरह से बदलता है ठीक है इस तरह का काम होता है इंडियन मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट कोई भी साइक्लोन हमारी कंट्री में आए तो हमारी कंट्री में, तो में कोई भी साइक्लोन उससे पहले यहाँ पर एक प्रॉपर इवेंट होता है ठीक जिस तो है जिसमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के ऑफिशियल आके बताते हैं कि किस किस तरह से हम ये साइक्लोन को फेस करेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर सकती है ठीक है Uh, लविश आप ये चीज़ पूछ रहे हो कि बता रहे हो कि क्या ये स्लाइड्स करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन के लिए पूरी है ठीक है अगर तो पूछ रहे हो तो हाँ जितना आप ऐसा कह लो कि अगर आपका एग्ज़ाम यहाँ पर uh, संडे को है मतलब नेक्स्ट अगर संडे को आपका एग्ज़ाम है तो आपके लिए रिवीजन के लिए स्लाइड्स अप टू डेटेड है बहुत आपकी हेल्प करेंगे ठीक है अगर आप इसके अगर आपके एग्ज़ाम थोड़े दिनों बाद है तो आप और पढ़ना चाहते हो तो इन स्लाइड्स को हम और थोड़ा अब आगे अपडेट भी करते रहेंगे ठीक है तो आपकी जो आने वाली क्लासेस हैं वहाँ इनको और अपडेट करते रहेंगे ठीक है तो न्यूज़ देख लेते हैं इंडिया ने दो में 2020 में 1976 के बाद सबसे ज़्यादा रेनफॉल इंडिया ने यहाँ पर ऑब्जर्व करी ठीक है ये किसने बताया था इंडियन मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अब ये इतनी ज़्यादा रेनफॉल होने के पीछे कारण क्या है कारण ये है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ठीक है ऐसा मत सोचा ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से सिर्फ अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी वजह से बाकी सारा जो चीज़ें वो भी ख़राब होती हैं जैसे साइक्लों आते हैं रेन जो जो रेनफॉल है वो बहुत ही अनिवन हो जाती है अगर होगी तो बहुत ज़्यादा नहीं होगी तो बहुत कम तो इस तरह की भी बहुत सारी प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ती है ठीक है नेक्स्ट चलते हैं तो इंडियन मेडोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में आपको इनफॉर्मेशन दे दी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन सर्वे 2018 ठीक है तो अगर आप में से किसी ने अभी ज्वाइन किया मैं उनको बता दूँ अभी हम लोग यहाँ पर इन्वायरमेंट कैटेगरी के करंट कर रहे हैं पिछले छः महीने के कल हमने एनवायरनमेंट कैटेगरी शुरू कर दी थी आज हम इसको खत्म करें एनवायरनमेंट कैटेगरी के बाद हम चाहेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी पे इसको खत्म करेंगे और अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ख़त्म करने के बाद टाइम बचेगा तो हम यहाँ पर हमारी कंट्री के नेशनल और स्टेट न्यूज़ वाला टॉपिक शुरू करेंगे नहीं बचेगा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ही यहाँ पर खत्म कर देंगे ठीक है ठीक है तो इन ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन सर्वे दो चाहे इस सर्वे में दो है पर इसको रिलीज़ किया गया था 2020 में अब ये सर्वे से रेलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं आपको धीरे धीरे बताता रहता हूँ ठीक है अगर आप थोड़ा बहुत कहीं कॉपी पे नोट करते हो तो ये सब चीज़ें नोट कर लेना तो ग्लोबल टाइगर डे को सेलिब्रेट किया था ट्वेंटी ऑफ जुलाई को और ट्वेंटी ऑफ जुलाई ट्वेंटी में इंडिया ने रिलीज किया था अपना ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन सर्वे ऑफ ट्वेंटी इस सर्वे में क्या पता चला तो मैं सर्वे की इमेज बड़ी इमेज दिखाता हूँ आपको बताता हूँ देखो इस सर्वे में पहले तो ये पता लगा कि अब 2018 के हिसाब से हमारी कंट्री में जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तीन हज़ार पे पहुंची है थ्री थाउजेंड तो अगर आप इंडिया को कंपेयर करो ईयर दो 2006 से तो दो से लेकर दो के बीच में हमने अपनी टाइगर की पॉपुलेशन को डबल से भी ज्यादा बढ़ा लिया जो कि बहुत अच्छी चीज है हमारी कंट्री के लिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है हमारी कंट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स आपको मिलेंगे कहाँ तो इस स्टेट का सही आंसर है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में आपको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स मिलेंगे ठीक है फिर जो ये हमने सर्वे किया था ना इस सर्वे ने एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था इंडियाज टाइगर सेंसेस सेट्स अ न्यू गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड ठीक है क्या रिकॉर्ड था इस सर्वे को बोला गया था वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे ठीक है तो इतना बड़ा इतना बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे अब तक पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं हुआ यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है हमने कितने कैमरास को यूज़ किया था कैमरा ट्रैप इस तरह से होता है जैसे इसके आसपास कोई एनिमल आता है ये एक पिक्चर क्लिक कर लेता है कितने स्क्वेयर किलोमीटर के एरिया को कवर किया था कितने करोड़ों पिक्चर्स खींची थी हमने टाइगर्स कितने थे ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया ठीक है और इस टाइम पे इंडिया में जो टाइगर का नंबर है वो है टू नाइन सिक्स सेवन एक्जैक्टली टू नाइन सिक्स सेवन आप तीन हज़ार के आसपास याद कर सकते हो दुनिया की सेवेंटी फाइव टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है ठीक है तो जो ये दो वाला सर्वे था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चाहे इसमें दो लिखा हुआ है क्योंकि दो तक का डाटा है पर इसको रिलीज़ दो में किया गया था तो आप इससे एग्जाम में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो क्योंकि बहुत ही रिसेंट चीज़ थी ठीक है आगे चलते हैं संकल्प पर्व ठीक है तो ये शायद मैंने आपको कल भी बताया था संकल्प पर्व आपने जब भी सुन लिया मतलब प्लांटेशन ड्राइव संकल्प पर्व रखा गया था हमारी कंट्री में ऑन दी कॉल ऑफ प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर कहने पे हमारी कंट्री में हमने संकल्प पर्व रखा ठीक है तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज करवाया था तो संकल्प पर्व में होता क्या जो सरकारी ऑफिस है जो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पर सैपलिंग या फिर ट्री प्लांटेशन की ड्राइव चलाती है ठीक है नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में था असम में बागजान ऑयल वेल है ठीक है तो एक जगह है असम में बागजान वहाँ पर एक ऑयल फील्ड या फिर ऑयल वेल कह सकते हो तो यहाँ से हम क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल निकालते थे और नेचुरल गैस निकालते थे कई बार आपको लग सकता है कि शायद इंडिया में कच्चा तेल बिल्कुल ही नहीं मिलता हमको सारा का सारा जो क्रूड ऑयल जिससे आगे जाके क्रूड ऑयल को रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनता है तो क्रूड ऑयल इंडिया में नहीं मिलता ये बिल्कुल गलत चीज़ है मिलता है पर बहुत ही कम क्वांटिटी में जैसे असम वाली जगह से हम लोग कुछ हद तक कच्चा तेल कच्चा तेल निकालते हैं ठीक है पर हमको बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कराना पड़ता है जैसे सऊदी अरेबिया से हम लोग मंगाते हैं कतर से मंगाते हैं ठीक है बहुत सारी कंट्री से मंगाते हैं तो असम में एक जगह थी जिसका नाम था बागजन ऑयल वेल वहाँ पर आग लग गई और ये आग ऐसा नहीं कि कुछ एक या दो दिन तक लग रही कई हफ़्तों तक ये आग लग रही है इस वजह से जो चीज़ थी बहुत न्यूज़ में थी और हम इसको इन्वामेंट कैटेगरी में इससे पढ़ रहे हैं क्योंकि जहाँ पर ये ऑयल फील्ड थी वो बहुत ही इको सेंसिटिव एरिया बिल्कुल असम में जहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है उसके बिल्कुल ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में एक जगह पड़ती है बागजान जहाँ पर एक इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का ऑयल फील्ड थी जहाँ पर बहुत बड़े स्केल पर आग लगी और काफ़ी दिनों तक काफ़ी हफ्तों तक ये आग लगी रही ठीक है नेक्स्ट इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स ठीक है तो अनवायरमेंट बस ये इन्वायरमेंट कैटेगरी की, की लास्ट न्यूज है जितना मुझे याद आ रहा है इनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक आया था 168 तो इंडिया को बिल्कुल भी अच्छा रैंक नहीं मिला इसके पीछे बहुत सारे कारण देखो इंडिया अपने हिसाब से कोशिश तो करता है हम बहुत सारे सोलर प्रोजेक्ट्स चलाते हैं बड़ी सारी चीज़ें करते हैं पर हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी इतनी बड़ी एनर्जी की डिमांड है उस वजह से हमको टाइम लगेगा हम एकदम से नहीं सोच सकते कि इंडिया में हम लोग क्लाइमेट को चेंज कर क्लाइमेट को कंट्रोल कर लेंगे पोल्यूशन कम कर लेंगे उसमें टाइम लगेगा ठीक है, है तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का रैंक था जो दो वाला था एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स उसमें इंडिया का रैंक था वन उसके अलावा बाकी कंट्रीज़ का रैंक दिया हुआ डेनमार्क का था फर्स्ट यूनाइटेड किंगडम फोर्थ ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया थर्टीन यू एस रशिया फिफ्टी सऊदी अरेबिया नब्बे चाइना एक सौ बीस और इंडिया वन सिक्सटी एट ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स तो इसके साथ हमने यहाँ पर क्या कर लिया अब हमने जो जो कैटेगरीज खत्म कर लिया तो हमने अवार्ड्स खत्म कर लिया हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स खत्म कर लिया आर्ट एंड कल्चर खत्म कर लिया और हमने एनवायरनमेंट भी खत्म कर लिया तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस और टेक्नोलॉजी शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर एक मिनट रुक जाता हूँ अगर आपका अब तक की क्लास में जो आज हमने पढ़ा इसमें जो हमने पुरानी करी उसमें या वैसे भी कोई करंट अफेयर्स में डाउट है तो अभी मैं यहाँ रुका हूँ आप अपने डाउट को पूछ सकते हो नहीं तो पूरा तीस या चालीस सेकंड के बाद मैं यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कैटेगरी शुरू कर दूंगा ठीक है ठीक है अगर आप लोगों कोई भी डाउट है प्लीज अपने डाउट को मेंशन कर दो आप लाइव चैट में आपको वैसे कोई और चीज पूछनी है क्लास के अलावा वो भी आप अभी पूछ सकते हो नहीं तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर को ठीक है ठीक है तो हम शुरू कर देते हैं यहाँ पर आज की हमारी सेकंड कैटेगरी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ठीक है तो एनवायरनमेंट का तो थोड़ा सा ही बचा तो वो हमने कर लिया अब हम साइंस और टेक्नोलॉजी पे चलते हैं ठीक है तो साइंस और टेक्नोलॉजी में भी हम सेम ही चीज़ करेंगे जनवरी 2021 से हम लोग जून 2020 तक जाएंगे तो इस डेट में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको हम डिस्कस करेंगे ये स्लाइड्स पूरी अपडेटेड स्लाइड है ठीक है तो जैसे ठीक है तो नितिन आप जो बोल रहे हो कि एक क्लास बजट पर भी कर लो ठीक है देखो मैं आपको बताता हूँ हमको ये जो हमारी क्लासेस चल रही है इसमें से एक दिन हम करेंगे इकॉनॉमी और बैंकिंग तो हम ऐसा करेंगे जिस दिन हमारी इकॉनमी और बैंकिंग होगी तो क्योंकि आपकी क्लासेस फ्राइडे तक ही करनी है ठीक है तो कल परसों में हम इकॉमी और बैंकिंग कर लेंगे ठीक है जिस दिन भी आपकी इकोनॉमी और बैंकिंग होगी ना उसी दिन मैं आपको बजट के बारे में भी इंफॉमेशन दे दूंगा और उसी दिन मैं आपको जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया था ठीक है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया इन दोनों के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा ठीक है प्रियंका आप ये किस चीज़ के रिकॉर्डिंग बोल रहे हो कि अब रेड और ग्रीन कलर की वायर का कलर चेंज हो गया है प्रियंका प्लीज़ आप मेंशन करो कि किस चीज़ के अकॉर्डिंगली आप बोल रहे हो ठीक है थीके? तो आ, मैं आपको क्या बता रहा था हा? कि तो यहाँ पर नितिन ने बोला कि हम थोड़ा बजट के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए था तो इकॉनॉमी और बैंकिंग का हमको एक टॉपिक करना है जैसे आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहे हैं ठीक है थीके? इसके बाद साथ ही हम नेशनल और स्टेट न्यूज़ शुरू कर देंगे आज तो कल वाली क्लास में या फिर मैक्सिमम परसों वाली क्लास में जिस दिन में हमारी इकोनॉमी और बैंकिंग क्लास होगी मैं आपको थोड़ा सा बजट की इन्फॉर्मेशन भी दे दूँगा और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ये दो डॉक्यूमेंट है जो ऑलमोस्ट एक साथ रिलीज़ होते हैं इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगा ठीक है आई होप आपको ये जो डाउट था मैंने क्लियर कर दिया अगर अभी भी किसी का डाउट है प्लीज़ मैंशन कर दो नहीं तो मैं यहाँ पर एक बार साइंस और टेक्नोलॉजी को शुरू कर दूँ ठीक है तो साइंस और टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर न्यूज़ होंगी वो स्पेस कैटेगरी से रिलेटेड होंगे क्योंकि पिछले साल ज़्यादातर ध्यान था लोगों का कोरोना वायरस की तरफ हमारी कंट्री में भी ज़्यादा सब चीज़ें हुई नहीं पर हाँ स्पेस में जो इनिशिएटिव थे स्पेस में जो काम था वो चल रहा था कुछ लॉन्चेस का काम चल रहा था ठीक है ऐसे इस इसरो ने ज़्यादा लॉन्च तो नहीं किए पर स्पेस में थोड़ा बहुत जो हो रहा था उसी को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फर्स्ट न्यूज़ फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पर क्या बता रही है एक कंपनी है दुनिया में इसका नाम है स्पेस एक्स अगर आप में से मुझे कोई बता सके कि स्पेस एक्स के जो ओनर है जो इसके मालिक है उनका नाम क्या है ठीक है स्पेस स्पेस एक्स के मालिक का नाम क्या है और ये एक प्राइवेट कंपनी है तो न्यूज़ है स्पेस ने लॉन्च किए थे 143 फोर्टी थ्री रिसेंटली इन्होंने एक ही रॉकेट में एक रॉकेट में 143 फोर्टी थ्री को लॉन्च किया और इन्होंने यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिया किसका रिकॉर्ड तोड़ दिया इसरो का तो इसरो के पास रिकॉर्ड था इसरो ने 104 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे 2017 में उसका रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ दिया स्पेस ने इन्होंने एक सौ वन लॉन्च किए तो जैसे हम लोग जब लॉन्च करते हैं इसरो लॉन्च करता है तो इसरो के पास दो तरह के आप कह लो रॉकेट्स हैं ठीक है एक है जी एक है पी तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ देखो दोनों के एंड में आप देख रहे हैं एल और एल वी मतलब लॉन्च व्हीकल लॉन्च व्हीकल तो जियो सिंक्नर लॉन्च व्हीकल और पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल ये दो तरह के रॉकेट्स हैं जो कि इसरो तो यूज करता है इसी तरह से स्पेस ने जो रॉकेट यूज़ किया था उसका नाम था फैलकन नाइन रॉकेट तो ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपने फैलकन नाइन रॉकेट को ठीक है मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था स्पेस के मालिक के बारे में प्रियंका ये जो आप पूछ रहे हो लाइव और न्यूट्रल वायर का कलर क्या होता है ठीक है तो ये मुझे थोड़ा सा ना समझ लग रहा है आप किस रिगार्डिंग पूछ रहे हो लाइव और न्यूट्रल वायर का अगर आप इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड पूछो तो उसका मुझे ज़्यादा आइडिया है नहीं कि लाइव और न्यूट्रल वायर का क्या कलर होता है ठीक है और हाँ जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि स्पेस एक्स के ओनर का नाम क्या है तो स्पेस एक्स के ओनर का नाम बिल्कुल सही है यहाँ पर ईलॉन मस्क ईलॉन मस्क जो कि स्पेस एक्स इसके अलावा टेस्ला आपने सुना होगा वो भी नहीं किया ठीक है बहुत सारी कंपनी एलॉन मस्क की और कुछ टाइम पहले इनान मस्क को ये डिक्लेयर किया गया था कि इस टाइम पे दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी भी बन गए तो इलान मस्क ने जेफ़ बेजोस को पीछे छोड़ा था जेफ़ बेजोस की कंपनी का नाम है अमेजॉन ठीक है तो अमेजोन के मालिक है जो जेफ़ बेजोस उनको पीछे छोड़ के इलान मस्क दुनिया के सबसे रिच आदमी भी बन गए थे कुछ टाइम पहले ठीक है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ठीक है तो स्पेस ने एक वन फोर्टी लॉन्च किए एक सिंगल रॉकेट में और उसके साथ उन्होंने यहाँ पर इसरो का रिकॉर्ड तोड़ दिया था ठीक है तो स्पेस एक्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके फाउंडर है एलान मस्क इसको बनाया गया था 2002 हज़ार दो में हेडकोर्टर है कैलफोर्निया यूएम में इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ इलान मस्क ही आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है ठीक है नेक्स्ट इंडिया और यू इंडिया और यूनाइटेड अरब एमरेट्स के बीच में रिसेंटली एम ओ यू एम क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब एक तरह से एक पैक्ट साइन हुआ किसके बीच में इंडिया और यू के बीच में ये पैक्ट साइन हुआ साइंटिफिक और टेक्निकल कॉपरेशन के लिए ठीक है तो इंडिया और यूएई ने रिसेंटली एक पैक्ट साइन किया फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कॉपरेशन यू के बारे में आपको पता होना चाहिए यू क्या है यू एस में कंट्री है ठीक है यू मतलब यूनाइटेड अरब एमरेट्स ठीक है तो अगर आपको मैप पे दिखाऊं तो ये तो इतना क्लियर मैप नहीं है आप ऐसा समझ लो कि जो मिडल ईस्ट का एरिया आपने सुना होगा ठीक है जहाँ पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्री सऊदी अरेबिया है इराक है ईरान है वहीं पर एक कंट्री इसका नाम है यूनाइटेड अरब एमरेट्स जो पिछले साल का आई हुआ था वो भी यू में हुआ था दुनिया के बड़े बड़े शहर अबू धाबी और दुबई जैसे शहर भी आपको यू में मिलेंगे इनकी कैपिटल है अबू धाबी ठीक है और तो आपके लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं है नेक्स्ट चलते हैं इसरो अडॉप्ट करेगा हंड्रेड अटल टिंकरिंग लैब्स ठीक है तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमको समझनी है थोड़ा इसरो के बारे में समझना ये अटल टिंकरिंग लैब्स क्या होती है तो धीरे धीरे समझते हैं अटल टिंकरिंग लैब्स असल में एक बड़े इनिशिएटिव का पार्ट है जो कि है अटल इनोवेशन मिशन अटल इनोवेशन मिशन के अंदर हमारी कंट्री में रिसर्च की जाती है जैसे आपको याद होगा 2020 में हमने बहुत सारी एप्स को बैन कर दिया था जो चाइनीज़ एप्स थी अब उन ऐप्स को तो बैन कर दिया पर उनकी जगह कोई और ऐप भी तो आनी चाहिए क्योंकि अगर वो ऐप डाउनलोड हो रही थी तो मतलब उसकी डिमांड तो थी तो अगर वो चाइनीज़ ऐप थी ठीक है हमने उसको बैन कर दिया अब चाइना की कंपनी को काम नहीं मिला पर उसका कुछ तो जगह उसकी जगह इंडिया की कोई इंडियन कंपनी आए जो कि वो ऐप बनाए तो जब ये सब किया गया था तब भी इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि अटल इनोवेशन मिशन के अंदर हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की ऐप्स बनाई जाए अटल इनोवेशन मिशन के अंदर ही है अटल टिंकरिंग लैब्स तो यहाँ पर होता क्या इन लैब्स के थ्रू जैसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज के और स्कूल के उनको मोटिवेट किया जाता है कि आप भी साइंस में रिसर्च में डेवलपमेंट में जाओ तो यहाँ पर यह जो बोला गया कि इसरो एक सौ अटल टेंगे लैब्स को अडॉप्ट करेगा इसका मतलब क्या है कि इसरो इस, इस तरह की लैब्स को खोलेगा जगह जगह हो सकता है स्कूल्स में यूनिवर्सिटी में और यहाँ पर बच्चों को मोटिवेट किया जाएगा बच्चों को बताया जाएगा स्पेस के बारे में नॉलेज दी जाएगी ताकि वो मोटिवेट हो स्पेस की तरफ रिसर्च की तरफ और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कंट्री को हेल्प कर सके ठीक है ग्रो करने में ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है नेक्स्ट तो so यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इनफॉर्मेशन कुछ स्टैटिक इनफॉर्मेशन इसरो के बारे में इसरो क्या है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के हेडक्वार्टर्स बहुत ही ज़रूरी है इसरो के हेडक्वार्टर्स आपको दिल्ली में नहीं मिलेंगे ठीक है न्यू दिल्ली में नहीं मिलेंगे इसरो के हेडक्वार्टर्स आपको मिलेंगे बेंगलुरु में बेंगलुरु किसकी कैपिटल है अगर कोई बता सके कि कौन सी स्टेट की कैपिटल है बेंगलुरु ठीक है तो बेंगलुरु में आपको हेडक्वार्टर्स मिलेंगे इसरो के इसरो के इस टाइम पे जो डायरेक्टर उनका नाम है डॉक्टर के सेवान और इसरो के फाउंडर का नाम है विक्रम सारा भाई एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बेंगलुरु के स्टेट की कैपिटल अगर किसी को इसका सही आंसर पता है तो प्लीज आप उसको यहां पर अटेम्प्ट कर दो ठीक है ठीक है तो ये जो मैं आपको बता रहा था अटल इनोवेशन मिशन तो अटल इनोवेशन एक बहुत बड़ा मिशन है इसके अंदर हमारी कंट्री में रिसर्च और ज्यादा सारा डेवलपमेंट को बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो अटल टिंकरिंग लैब्स का जो कंसेप्ट है वो इसी मिशन के अंदर आता है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर क्या चीज है नेक्स्ट चीज है नासा टू टेस्ट मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर बिल्ड तो नासा जो कि यूएसए की नेशनल स्पेस एजेंसी है तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि बेंगलुरु के स्टेट की कैपिटल है तो मोहित ने बिल्कुल सही आंसर किया कर्नाटका की कैपिटल ठीक है थीका? तो जैसे जैसे थोड़ा मुझे लगेगा कि स्टेट के कैपिटल के बारे में या स्टेट के चीफ मिनिस्टर के बारे में आपको पता चाहिए मैं साथ में आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में खुद बता दूंगा ठीक है तो कर्नाटक कर्नाटका इसका बिल्कुल ही सही आंसर है ठीक है और आपको पता होगा बेंगलुरु को हमारी कंट्री की इलेक्ट्रॉनिक सिटी बोला जाता है और आईटी हब भी बहुत बड़ा है वहाँ बहुत बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक सिटी क्योंकि वहाँ पर बहुत तरह का आप कहो कि <coughs> इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी है ठीक है इन्फॉमेशन टेक्नोलॉजी की उदय आप भी बिल्कुल सही अटैम्प्ट कर रहे हो कर्नाटका नेक्स्ट है न्यूज़ नासा से रिलेटेड नासा क्या है ये नेशनल स्पेस एजेंसी है यू की जैसे इंडिया की नेशनल स्पेस एजेंसी क्या है इसरो और जापान की नेशनल स्पेस एजेंसी है जाक्सा और रशिया की नेशनल स्पेस एजेंसी है रॉसकासमोस और उसके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट है और यूरोप यूरोप की नेशनल स्पेस एजेंसी है यूएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ठीक है तो कुछ कुछ जो स्पेस एजेंसी है इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया तो नासा जो कि नेशनल स्पेस एजेंसी है यू एस ए की उन्होंने रिसेंटली और ये चीज़ हो चुकी है उन्होंने रिसेंटली टेस्ट किया दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल रॉकेट ठीक है इसका नाम क्या रखा है ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ तो इस रॉकेट को उन्होंने टेस्ट किया था सेवनटीन्थ ऑफ जनवरी 2021 में और इसका उन्होंने नाम रखा है स्पेस लॉन्च सिस्टम अभी इस रॉकेट का आप कह लो कि ये प्रॉपर नाम नहीं रखा है स्पेस लॉन्च सिस्टम आगे जाकर इसका कोई नाम रखेंगे तो ये रॉकेट बहुत ही बड़ा रॉकेट है ठीक है अब अगर इसका साइज देखो तो थ्री फीट इसकी हाइट है टोटल पच्चीस इंजन यहाँ पर लगाए जाएंगे इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड अचीव कर सकता है ठीक है और इस रॉकेट के थ्रू नासा करना क्या चाहता है एक तो नासा मार्स तक जाना चाहता है डायरेक्टली अर्थ से डायरेक्टली मार्स तक जाना चाहता है हम लोग जब इंडिया ने अपना मार्स मिशन भेजा था तो हम डायरेक्टली नहीं जा पाए थे अगर आपने वो मंगलयान मूवी देखी हो तो आपको पता होगा कैसे ऑर्बिट बड़ा करते 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 हम यहाँ पर मास् तक पहुँचे थे तो ये लोग डायरेक्टली मास् तक जाना चाहते हैं उसके अलावा ये चाहते हैं कि दो में जो फर्स्ट फीमेल को ये मून के सरफेस तक लेके जाना चाहते हैं इस मिशन के थ्रू ठीक है तो फर्स्ट जो फीमेल प्लानट ऑर्से फर्स्ट फीमेल ह्यूमन जो कि मून के सरफेस को टच करेंगे वो इस रॉकेट के थ्रू ये लोग भेजना चाहते हैं ठीक है तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया इस मिशन के बारे में तो नाश्ता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले नाश्ता की फुल फॉर्म नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है ये यूएस की नेशनल स्पेस एजेंसी है हेडकोर्टर में वाशिंगटन डीसी में देखो आपके यहाँ आप पर पता होना चाहिए हम जब भी डिस्कस करते हैं यूएसए एस कैपिटल केपिटल क्या तो हम बोलते हैं वाशिंगटन डीसी पर आपको पता होना चाहिए वाशिंगटन असल में एक अलग से उनकी स्टेट भी है तो आप ऐसा बोल लो कि दो जगह के एक ही नाम है वाशिंगटन डी उनकी कैपिटल है वाशिंगटन स्टेट उनकी एक अलग से स्टेट है ठीक है बाकी नाश्ता को किसने बनाया था नाश्ता को कब बनाया गया था ये सब इफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है वैसे तो ये वाली स्लाइड्स जितना मुझे याद है शायद आपको मिल भी गए होगी ठीक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्लाइड्स तो वहाँ से आप इन सब चीज़ों को देख सकते हो नेक्स्ट नेक्स्ट है नेशनल अटोमिक टाइम स्केल ठीक है नेशनल अटोमिक टाइम स्केल क्या मैं आपको बताता हूँ तो रिसेंटली हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर इनाग्रेट किया था नेशनल अटोमिक टाइम स्केल एट दी नेशनल मेट्रोलॉजिकल कॉन्क्लेव तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने क्या शुरू किया उन्होंने एक अटोमिक क्लॉक को यहाँ इनाग्रेट किया था अटोमिक क्लॉक हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइसली बिना किसी गलती के आपको पता लगाना है टाइम कैसे चलता है ठीक है बिना कोई गलती के अगर आपको पता लगाना है टाइम कैसे चलता है तो आप एक अटोमिक क्लाक को यूज़ करते हो आपको पता है जो आपके घर में घड़ियाँ होती हैं हो सकता है वो एक हफ्ते दस दिन बीस दिन एक महीने या डेढ़ महीने के बाद उसमें थोड़ा सा एरर आना शुरू होता है ठीक है उसमें हो सकता है वो सेकेंड्स थोड़े ज़्यादा आगे चले जाएँ पीछे चले जाएँ पर अगर आप देखो एक अटोमिक क्लॉक को एक अटोमिक क्लॉक में अगर आप सौ मिलियन साल में देखो तो सौ मिलियन साल में सिर्फ एक सेकेंड का फर्क आता है इतनी ज़्यादा एक्यूरेट होती है एक अटोमिक क्लॉक ठीक है ये चीज़ मैंने आपको कल भी समझाई थी आज फिर समझा देता हूँ अगर आपको नहीं समझ लगता कि मिलियन बिलियन और ट्रिलियन को कैसे कन्वर्ट करते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ देखो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है कि एक मिलियन होते हैं दस लाख सिर्फ इतना याद रख लो बाकी मैं आपको समझा देता हूँ एक मिलियन आपको याद रखना दस लाख होते हैं अब जैसे आपको बताया हम लोग जब हज़ार से लाख पे जाते हैं लाख से करोड़ पे जाते हैं हम दो जीरोज ऐड करते हैं आपको ये भी याद रखना है कि मिलियन बिलियन ट्रिलियन में दो की जगह आप तीन जीरो ऐड करते हो इसी वजह से अगर इंडिया में एक अमाउंट लिखनी हो जैसे अगर इंडिया में ये अमाउंट लिखनी है ठीक है जीरो 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 ये अमाउंट लिखनी है तो मुझे पता लगाना है कौन सी अमाउंट है तो मैं यहाँ पर क्या लूँगा कॉमा लगाना शुरू करूँगा पहले कॉमा लगेगा तीन जीरो के बाद उसके बाद हर एक कॉमा लगेगा दो दो जीरो के बाद है ना ऐसा इंडिया में चलता है पर अगर यही सेम अमाउंट मैं लिखता है यूएसए में तो यूएसए में मैं क्या करता है पहला जीरो लगता है तीन के बाद फिर अगला जीरो फिर से तीन के बाद लगता है ठीक है तो ये लोग अपना तीन तीन के बाद ही कॉमा लगाते हैं ठीक है तो अगर आपको पता लग गया कि एक मिलियन होता है दस लाख ठीक है तो एक मिलियन से एक बिलियन के लिए आपको तीन जीरो ऐड करने पड़ेंगे एक बिलियन से एक ट्रिलियन के लिए और तीन जीरो ऐड करने पड़ेंगे ठीक है तो इस तरह से आप मिलियन बिलियन ट्रिलियन करते रहोगे तो अगर आपको पता है दस लाख होता है एक मिलियन तो अगर आपको समझना है कि एक बिलियन कितना होता है तो दस लाख में तीन जीरो ऐड कर दो तो दस लाख में एक जीरो ऐड करके बन गया एक करोड़ एक और जीरो ऐड करके बन गया दस करोड़ और एक और जीरो ऐड करके बन गया सौ करोड़ तो अगर एक मिलियन होता है दस लाख एक बिलियन होगा सौ करोड़ और अगर आपको एक ट्रिलियन पता लगाना है तो सौ करोड़ में तीन जीरो और ऐड कर दो तो ये बन गया एक लाख करोड़ ठीक है आई होप आपको ये यह चीज़ यहाँ पर क्लियर हो चुकी है ठीक है तो जो ऑटोमिक क्लॉक है बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ है रिसेंटली इसको हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने इनाग्रेट किया था तो यहाँ पर देखो बताया गया ये भी बताया गया कि असल में जो वन सेकेंड हम बोलते हैं ना एक सेकेंड उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है तो एक सेकेंड मतलब वन सेकेंड इज डिफाइंड एज ये जो नंबर दिखा हुआ है इतने पीरियड्स ऑफ रेडिएशन कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रांजिशन बिटवीन द टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑन ग्राउंड स्टेट ऑफ दीजे वन थर्टी थ्री मतलब एक सेकंड का मतलब क्या है कि सीजे वन थर्टी का एटम है जो वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इतनी बार जब ट्रैवल कर देता है उसको हम बोलते हैं एक सेकंड है बहुत ही साइंटिफिक डेफिनेशन आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस कैटेगरी की न्यूज़ है इंडिया ने अप्रूव करी हैं दो कोविड नाइन्टीन वैक्सीन्स फॉर एमरजेंसी यूज़ और अभी भी इंडिया में सिर्फ दो ही वैक्सीन अप्रूवल मिला हुआ है और तीसरी वैक्सीन को अभी तक अप्रूवल नहीं मिला इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जब आप अपना पेपर दोगे तब भी ये वैक्सीन चल रही होंगी ठीक है तो इंडिया ने जो दो कोरोना वायरस की वैक्सीन्स को अप्रूवल दिया है उनका नाम है कोवैक्सीन और कोविशील्ड ठीक है तो इंडिया में वैक्सीन को अप्रूवल देने की रिस्पॉसिबिलिटी आती है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जिसको कि डी बोलते हैं तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया था थर्ड जनवरी को तीन जनवरी को हमने अप्रूवल दे दिया था दो वैक्सीन को और ये जो अप्रूवल है ना ये एक रिस्ट्रिक्टेड एमरजेंसी अप्रूवल है मतलब रिस्ट्रिक्टेड का मतलब कि इसको ऐसे नहीं कि आप हर जगह कहीं पर भी चले जाओ आप किसी प्राइवेट लैब में चले जाओ वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा नहीं सिर्फ गवर्नमेंट ही इस वैक्सीन को लगा सकती है और एमरजेंसी मतलब यहाँ पर एमरजेंसी अप्रूवल का मतलब है कि वैसे तो वैक्सीन को अगर आपको अप्रूवल देना तो उसके लिए बहुत टाइम तक वेट करना होता है बड़े सारे स्टेप्स पूरे करने होते हैं ह्यूमन ट्रायल का फेज़ थ्री पूरा करना होता है पर यहाँ पर एमरजेंसी लिखने का मतलब है कि अभी तक इसके सारे फेजेस पूरे नहीं हुए तो कोवैक्न और कोविशील्ड दो तरह की वैक्सीन है जो कोवैक्सीन है ठीक है कोवैक्सीन को बनाया दो ऑर्गेनाइजेशन ने भारत बायोटेक ने जो कि आपको मिलेगा हैदराबाद में और आई जो कि आर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो कोविडशील्ड है कोविडशीड को बनाया है दो ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया से बाहर काम करती है ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी और एस्टाजैनी तो इन दोनों ने मिलकर बनाया कोविशील्ड को पर कोविडील्ड को बहुत बड़े स्केल पे मैन्युफैक्चर इंडिया में किया जाएगा कौन सा इंस्टीट्यूट है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो कोविडशील्ड चाहे बनाई बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है पर उसको बड़े स्केल पर मैनुफेक्चर इंडिया में ही किया जाएगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में ठीक है तो यहाँ पर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आपको बता दिया जो इनका काम होता है वैक्सीन्स को अप्रूवल देना या फिर वैक्सीन को एमरजेंसी अप्रूवल देना तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया असल में एक पोस्ट है ये काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है तो इसके बारे में इतना आपको ना पता हो ठीक है पर ये पता चाहिए इन वैक्सीन को ड्रग्स को अप्रूवल देता कौन है नेक्स्ट मेटोलॉजिकल सेंटर इन लद्दाख ठीक है तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था इंडियन मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम है इंडिया भर में कोई भी रिसर्च करनी है क्लाइमेट के बारे में कुछ बताना है क्लाइमेट चेंज के बारे में बताया तो ये लोग मेटोजिकल डिपार्टमेंट इंडियन मेटोजिकल डिपार्टमेंट उसके बारे में रिपोर्ट्स पब्लिश करते है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि रिसेंटली इंडियन मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपना एक सेंटर खोला है लद्दाख में जो लद्दाख यूनियन टेरीटरी का फर्स्ट सेंटर है ठीक है आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट थी ठीक है जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट थी दो तक दो हजार फिफ्थ ऑफ अगस्त को 2019 हज़ार ऑफ अगस्त को जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया इस स्टेट को दो यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया तो अब जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बन गया ठीक है और दूसरी यूटी है लद्दाख तो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में से दो यूनियन टेरेटरी लिखती है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी ठीक है और अगर यहाँ पर हाँ ऑफिशियली देखो पाँच ऑफ अगस्त को तो इसको कर दिया गया था पर ऑफिशियली इसको हमने किया था इकतीस अक्टूबर 2019 में तो 31 अक्टूबर तक का हमने वेट इसलिए किया क्योंकि 31 अक्टूबर को हमारी कंट्री ऑब्जर्व करता है नेशनल यूनिटी डे ठीक है यहाँ पर जो बात की जा रही है कि मेट्रोलॉजिकल सेंटर खोला गया लद्दाख में तो ये लद्दाख यूनियन टेरिटरी का फर्स्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर है जो कि आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने खोला है, ठीक है और इसको इनाग्रेट किसने किया था हमारी कंट्री के यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसिस डॉक्टर हर्षवर्धन ने नेक्स्ट तो यहाँ पर थोड़ी सी फिर से इंफॉर्मेशन इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में पैसे तो आपके साथ पहले शेयर कर दिया है एटीन में इसको बनाया गया था ठीक है और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस के अंदर काम करता है नेक्स्ट नेक्स्ट जो चीज है साइंस एंड कैटेगरी न्यूज में उसका नाम है न्यूमोसिल ठीक है न्यूमो न्यूमोसिल तो न्यूमोसिल क्या है ये हमारी कंट्री के फर्स्ट निमोनिया की वैक्सीन है तो निमोनिया के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है उसका नाम है न्यूमोसिल ऐसा नहीं है कि दुनिया में निमोनिया के लिए वैक्सीन नहीं थी पर ये वाली हमारी कंट्री में बनी हुई फर्स्ट है इसको किसने बनाया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने तो ये वही वाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो मैंने आपको बताया था कोविड शील्ड वैक्सीन को मास स्केल पे प्रोड्यूस कर रहा है तो इन्हीं लोगों ने बनाया है हमारी कंट्री की फर्स्ट निमोनिया वैक्सीन को इस वैक्सीन को इनग्रेट किसने किया हमारी कंट्री के जो हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन उन्होंने यहाँ पर इसको इनोग्रेट किया ठीक है नेक्स्ट इंडिया की फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन तो ड्राइवरलेस ट्रेन का मतलब इंडियन रेलवे जल्दी ट्रेन में समझना यहाँ पर मेट्रो की बात की जा रही है ठीक है हमारी कंट्री के फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन शुरू किए गए थे हमारी कंट्री में बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 28 दिसंबर 28 दिसंबर को ये सब शुरू किया गया था ठीक है और इस मेट्रो ट्रेन को कहाँ चलाया जा रहा है इसको चलाया जा रहा है दिल्ली में जो मेट्रो है उसकी मेजेंटा लाइन पर तो दिल्ली मेट्रो बहुत सारी लाइन पर काम करती है उसके बड़े सारे कलर है येलो लाइन ऑरेंज लाइन उनमें से मेजेंटा लाइन पर चलाया गया था हमारी कंट्री की फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन को ठीक है चलाया गया था मतलब अभी भी ये चल रही है नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर न्यूज़ है इसरो से रिलेटेड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड इसरो काम कर रहा है ग्रीन प्रपल्शन टेक्नोलॉजी पे ये किसने बताया था इसरो के जो चीफ है डॉक्टर के एस उन्होंने बताया था कि इसरो काम कर रहा है यहाँ पर ग्रीन प्रपल्शन टेक्नोलॉजी पे इसका मतलब क्या है अब इसरो के रॉकेट्स जब छोड़े जाते हैं उसमें से बहुत सारी आपने देखा होगा प्रपलशन निकलता है बहुत सारी गैसेज निकलती हैं वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती हैं तो इसरो चाहता है कि उस गैसेज का जो निकले ठीक है वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो एक तरह से बायो फ्यूल के थ्रू इसरो के रॉकेट्स को लॉन्च करने की कोशिश करेंगे ठीक है तो इसरो के बारे में फिर से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको बनाया कब गया था बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है फिफ्टीथ ऑफ अगस्त पंद्रह अगस्त नाइनटीन को बनाया गया था इसरो को ठीक है फिफ्टीथ ऑफ अगस्त नाइनटीन को बनाया गया था इसरो को इसके हेडक्वार्टर आपको बोलेंगे बेंगलुरु में इसको बनाया गया था विक्रम सारा भाई ने उसके इस टाइम पे जो डायरेक्टर है के एस सीन तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इफॉर्मेशन मैंने दिख दी रिलेटेड टू इसरो नेक्स्ट व्हाट इज डीजी बॉक्स ठीक है डीजी बॉक्स तो जैसे आपको पता होगा आप लोग सब यूज़ करते हो गूगल की ड्राइव तो ड्राइव क्या है ड्राइव एक क्लाउड स्टोरेज है क्लाउड स्टोरेज क्या होता है देखो क्लाउड स्टोरेज ऐसा ऐसी चीज़ होती है मान लो आपके फ़ोन में आपको बहुत सारा मटेरियल स्टोर करना है पर आपके फोन की एक पर्टिकुलर लिमिट है उससे ज़्यादा वो मटेरियल स्टोर नहीं कर सकता तो आप किसी क्लाउड पर जाकर अपना अकाउंट बना सकते हो क्लाउड स्टोरेज पर जाकर और इंटरनेट के थ्रू आप वहाँ जाकर चीज़ें स्टोर कर सकते हो और जब भी आपको चाहिए इंटरनेट के थ्रू आप वहाँ से चीज़ें यूज भी कर सकते हो इसको बोलते हैं क्लाउड स्टोरेज पर अब प्रॉब्लम क्या है ये गूगल और एप्पल जैसी कंपनीज हैं ये क्लाउड स्टोरेज के लिए आपसे पैसे मांगने शुरू कर दिया तो ऐसे टाइम पर इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग नीति आयोग ने अनाउंस किया कि इंडिया में खुद हम बना रहे हैं डी डी जी बॉक्स जो कि एक तरह से इंडिया के खुद की क्लाउड सर्विस होगी ठीक है और इसको बहुत सस्ता रखा जाएगा प्राइस इसमें भी आपको देना पड़ेगा पर बहुत ही ज़्यादा सस्ता होगा एज कम्पेयर टू तो गूगल और एप्पल ठीक है कुछ हद तक आपको फ्री में मिलेगा उसके बाद अगर आपको और स्पेस चाहिए तो आपको यहाँ पर आ, कुछ पेमेंट करनी होगी और इनका प्लान बहुत ही सस्ता है अगर आप इसको कंपेयर करोगे गूगल और एप्पल से नीति आयोग में दो पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो नीति आयोग के सी उनका नाम है अमिताभ कांत ठीक है स्पेलिंग गलत दिखा हुआ है अमिताभ कांत है उनका नाम तो नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत उसके अलावा जो नीति आयोग है ठीक है उसके चेयरमैन हमेशा होते हैं कंट्री के प्राइम मिनिस्टर तो ये दो पोजीशंस आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट नेक्स्ट पे बात की जा रही है यूके न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना कोरोना वायरस वायरस आपको पता है जो है है जो ठीक इसका एक नया स्ट्रेन पाया गया था यूके में वो इतनी जल्दी से फैलना शुरू हुआ कि वैसे तो हमने छब्बीस जनवरी की पेड़ जो थी हमारी कंट्री की छब्बीस जनवरी की पेड थी उसके लिए बोरिस जॉनसन जो कि यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर उनको बुलाया था बोरिस जॉनसन को हमारी कंट्री में पर वो नहीं आ पाए क्यों क्योंकि यूके में एक नया तरह का स्ट्रेन फैलना शुरू हो गया था कोरोना वायरस का ठीक है अगर मेरे पास एक इमेज है तो मैं आपको हाँ ये इमेज है मेरे पास तो देखो होता क्या जब भी एक वायरस का जब भी एक वायरस आपकी बॉडी में आता है वो क्या करता है आपके सेल के ऊपर अटैक करता है और फिर वो जो इन्फेक्टेड सेल है वो अपने को मल्टीप्लाई करता है मतलब वो वायरस अपने को बढ़ा रहा है आपकी बॉडी में होता क्या जब ये वायरस अपने आपको बढ़ा रहा होता है जब ये मल्टीप्लाई कर रहा होता है तो हर बार ये अपनी कॉपी ठीक से नहीं बना पाता किसी एक केस में इसकी कॉपी थोड़ी सी गलत हो जाती है जब आप फोटो कॉपी कराने जाते हो वहाँ पर भी कई बार एक आधा पेज खराब हो जाता है इसी तरह से वायरस जब अपने आपको मल्टीप्लाई रहा होता है इन्फेक्टेड सेल के थ्रू जो कि आप ही की बॉडी का सेल है जब यह आप अपने आपको मल्टीप्लाई करो है उनमें से एक बार ये अपनी मल्टीप्लिकेशन ठीक से नहीं कर पाता जहाँ पर ये अपनी मल्टीप्लिकेशन ठीक से नहीं कर पाता वहाँ कुछ और ही बन जाता है और हम बोलते हैं कि वायरस म्यूटेट हो गया इसने अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दिया तो जब वायरस म्यूटेट होता है उसको बोलते हैं कि वायरस का न्यू स्ट्रेन फैलना शुरू हो गया ठीक है तो जो यूके वाला स्ट्रेन था और जो पुराना नॉर्मल कोरोना वायरस का स्ट्रेन था इनमें फ़र्क क्या था जो पुराना या फिर जो नॉर्मल वाला स्ट्रेन था अगर वो एक बंदे को होता है तो एक बंदा उसको मान लो आगे दस को फैला रहा है तो जो यूके वाला स्ट्रेन है अगर वो एक बंदे को होता है तो वो आगे पंद्रह लोगों को फैलाएगा ठीक है मतलब कि की जो यूके स्ट्रेन था इस वायरस का वो ज्यादा ट्रांसमिसिबल था वो ज्यादा तेजी से फैलता है ठीक है तो ये यह यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूके में नया स्ट्रेन आया कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा केसेज बढ़ने शुरू हो गए जिसके बाद यूके में लॉकडाउन भी लगाना पड़ा और जो बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर है वो इंडिया नहीं आ पाए ठीक है छब्बीस जनवरी की परेड के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पर चीज है इसको बोला गया था ये आज से कुछ दिन पहले हुई थी जुपिटर और सैटन जो कि दो प्लानट आपको मिलेंगे स्पेस में ये बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे अब क्लोज आने का मतलब ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्लोज आ गए थे अगर आप अर्थ से देखो तो आपकी एक लाइन ऑफ साइट बनेगी मतलब आप सीधा अगर अर्थ से देखना शुरू करो तो मान लो ये अर्थ है तो आप अर्थ से इस तरह से देख रहे हो तो यहाँ कहीं था जूपिटर और यहाँ कहीं था मान लो सैटन तो ये एक दूसरे के आप कह लो अर्थ से अगर आप देखोगे तो आपकी जो लाइन ऑफ साइट है उसमें आपका ऐसा लगेगा कि जुपिटर और सैटन बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे ठीक है तो 21 दिसंबर 2020 को यहाँ पर एक बहुत ही रेयर चीज हुई है दोनों प्लैनेट्स इतनी क्लोज आते नहीं है तो जुपिटर और सैटन बहुत ज्यादा क्लोज आ गए थे अगर आपके पास एक माइक्रोस्कोप होता तो आप स्पेस में इनको ऐसे देख भी पाते कि दोनों प्लैनेट्स कितने ज़्यादा क्लोज आ गए थे और बहुत ही एक शाइनी सच शाइनी स्टार की तरह दिख रहे थे ठीक है इसको बोला गया था ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजंक्शन और इसके अलावा इसको नाम दिया गया था क्रिसमस स्टार क्योंकि क्रिसमस के बहुत पास ये चीज हुई थी ठीक है तो इसको बोला गया था ग्रेट एस्ट्रोनॉमिकल कंजंक्शन नेक्स्ट नेक्स्ट है इसरो का एस एस ए कंट्रोल सेंटर जिसका नाम है नेत्रा इसका मतलब क्या है इसरो तो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एस एस ए मतलब स्पेस सिटुएशनल अवेयरनेस ठीक है कंट्रोल सेंटर और नेत्रा का फुल फॉर्म है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस इसका मैं आपको मतलब बताता हूँ रिसेंटली इसरो ने एक जगह बनाई है उसका नाम रखा है नेत्रा इसका काम क्या है देखो अब प्लानट अर्थ के आसपास इसरो तो के बहुत सारे सैटेलाइट्स सा हैं जगह जगह अब ये सैटेलाइट्स हमने करोड़ों रुपए खर्च करके बाहर भेजे हैं इनका कुछ काम है वहाँ पर ठीक है ये उस काम को कर रहे हैं पर मान लो अगर कोई स्पेस में मलबा है कोई डेबरी है कोई भी ऐसी चीज़ है जो किसी काम की नहीं अगर वो इस सैटलाइट को आके हिट करेगी तो सेटलाइट डिस्ट्रॉय हो सकता है टूट सकता है तो हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे सेटलाइट का जो पाथ है क्या उसमें कोई और चीज़ तो नहीं आ रही क्या वो वो डैमेज तो नहीं हो सकता तो बस वही काम करेगा यहाँ पर नेत्रा वो देखता रहेगा हमारे सेटलाइट के आसपास कुछ इस तरह का मलबा या कोई भी डेड सेटलाइट तो नहीं है अगर मान लो हमारे सेटेलाइट के रस्ते में कोई डेड सेटलाइट आ रहा है हो सकता है कि हमारा सैटलाइट उसे टकरा जाए तो नेत्रा यहाँ पर वार्निंग दे देगा दे और हम अपने सेटेलाइट का जो रास्ता है उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे ठीक है तो आई होप आपको यहाँ पर समझ लगा नेत्रा है क्या नेक्स्ट सी एम एस जीरो वन सेटेलाइट तो रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया एक सी एम एस सी एम एस है क्या कम्युनिकेशन सेटलाइट तो सी एम एस के फुलफॉर्म है कॉम्युनिकेशन सेटलाइट जीरो वन तो आप यहाँ सोच सकते हो कि हम तो बहुत सारे कम्युनिकेशन सेटेलाइट अब तक लॉन्च कर चुके हैं इसका नाम जीरो वन के रखा है तो आपको यहाँ पर बता देता हूँ 2020 से इसरो ने क्या किया इसरो ने एक नया नॉमन क्लचर फॉलो किया ठीक है नॉमन क्लेचर अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी तो आपको पता होगा नॉमन क्लचर मतलब नाम रखने का तरीका तो 2020 से इसरो ने एक नया नाम रखने का तरीका शुरू कर दिया जो भी कम्युनिकेशन सैटलाइट होगा उसको हम आज दो से बोलेंगे सी तो क्योंकि नए नॉमन के बाद ये वाला पहला था तो इसको हमने सी एम बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कम्युनिकेशन सैटलाइट पहले ही छोड़े बहुत सारे छोड़े हुए पर क्योंकि नाम रखने का नया तरीका लेकर आया इसरो तो इसलिए जो उसके बाद पहला छोड़ा गया उसका नाम रखा सी एम इसी तरह से आप आगे पढ़ोगे जीरो वन यूएस क्या है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तो बस हमने नाम रखने का तरीका बदला है नहीं तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बहुत सारे हमारी ऑर्बिट में पहले से काम कर रहे हैं ठीक है थीके? जैसे यहाँ पर बताया भी जा रहा है कि सीएमएस जीरो वन असल में हमारा फोर्टी सेकेंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट था ठीक है तो अब तक हम फोर्टी वन छोड़ चुके थे ये वाला फोर्टी सेकंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट था आगे देखते हैं आगे है हाईोबूसा टू तो हाईबूसा टू क्या था वैसे तो Hayabusa, आपको पता है बाइक भी है पर हाईबूसा टू एक स्पेस क्राफ्ट था जापान का इसने रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करी ये गया एक एस्ट्रॉयड पे एस्ट्रॉइड क्या होता है एक बहुत बड़ा आप कह लो रॉकी ऑब्जेक्ट है जो स्पेस में घूमते रहते हैं तो हाया बुजा टू प्लानट अर्थ से पहले गया एक एस्ट्रॉयड पर उसका नाम था रायगू तो रायगू एक अगर आपसे पूछा है क्या ये एक एस्ट्रॉयड है तो ये गया उस एस्ट्रोड पर रायगू पर वहाँ जाके उसने ड्रिलिंग करी थोड़ा सा वहाँ से सैंपल या वापस प्लानट अर्थ पर उस सैंपल को डिलीवर किया ठीक है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करी इस मिशन के थ्रू जापान ने ठीक है तो जापान की नेशनल स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा रिसेंटली उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग मिशन किया जिसके अंदर उनका एक सेट उनका एक स्पेसक्राफ्ट गया एक एस्ट्रॉड पे वहाँ से थोड़ा सा सैंपल लेके वापस प्लैनेट अर्थ पे उस सैंपल को उससे छोड़ दिया ठीक है क्यों ये सैंपल हमने मतलब जपान सैंपल क्यों लिया क्योंकि माना जाता है कि ये जो रायगू है ना ये जो एस्ट्रॉयड है ये असल में बहुत ही ज़्यादा पुराना एस्ट्रॉड है इसके थ्रू हमको बहुत सारी चीज़ें पता लग सकती है अबाउट प्लैनेट अर्थ ठीक है ये कारण था जिसकी वजह से हमने मिशन सारा किया यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है आई आर एन डबल एस आई आर एन डबल एस क्या है? ये हमारी कंट्री का खुद का आप समझ समझाने के लिए अगर आपको बताऊँ आई आर एन एस आई आर एन एस एस हमारी कंट्री का खुद का जी पी एस है तो आई एन एस आई आर एन एस एस की फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम ठीक है ये इसकी फुल फॉर्म है तो आई आर एन एस एस सैटेलाइट काउंसिलेशन ऑफ इंडिया रिकोगनाइज अंडर डब्ल्यू डब्ल्यू आर एन एस बाई आई एम मैं आपको समझाता हूँ क्या बोला जा रहा है देखो आपको पता है इस टाइम पे हम जी यूज़ करते हैं अगर आपको गूगल मैप से लाने हैं अगर आपको यह देखना है कि जोमैटो पे जो आपने खाना मंगाया वो है तो आप सब लोग यूज़ करते हो जी पी को बनाया था यू एस ए ने तो हम लोग उन उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हम ये नहीं सोच सकते कि ठीक है अगर जी पी चलता रहेगा तो उसको यूज़ करेंगे अगर वो नहीं चला अगर उन्होंने कुछ और अगर यूज़ करने से मना कर दिया फिर क्या करोगे तो हर एक कंट्री मतलब हर एक तो नहीं दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज ने अपना खुद का जी लाइक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया था जैसे जी के अलावा ग्लोस एग्जिस्ट करता है ठीक है चाइना ने बाई बनाया उसके अलावा बहुत सारे ऐसे एग्जिस्ट करते हैं ठीक है थीके? तो हमने भी बनाया इंडिया ने बनाया उसका नाम रखा आई आर एन एस एस आई आर एन एस एस की परफॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेट सिस्टम ठीक है तो अगर मैं आपको एक इमेज के थ्रू दिखाऊं तो ये आई आर एन एस एस ठीक है तो जिस तरह से जी काम करता है आप इसको भी यूज़ कर सकते हो बस प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारे मोबाइल फोन में ठीक से नहीं चलता अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाओ आई आर एन एस एस की वेबसाइट पर जाओ तो वहाँ आप जाके देख सकते हो किस तरह से काम करता है जी से अच्छा काम करता है ठीक है इससे कुछ कुछ प्रॉब्लम है सबसे पहले तो अभी ये फ़ोन्स में आना शुरू हुआ नहीं धीरे धीरे आना शुरू होगा काफ़ी सारे फोन्स आ गए मार्केट में से जो आई आर एन को यहाँ पर आ, सपोर्ट करते हैं ठीक है इसको एक और नाम से जाना था है, वो नाम है नाविक तो इसको नाविक बोला जाता है ठीक है तो आई एन एन एस एस के अंदर होता है क्या जैसे GPS काम है जैसे जी पी एस है उसी से काम करता है इसकी कुछ प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरी प्लानट अर्थ पर काम नहीं करता ये इंडिया के आसपास के एरिया को ही कवर करता है तो अगर आप देखो यहाँ पर टोटल सात सेटलाइट्स छोड़ी गई हैं प्लानट अर्थ में और ये सात सेटलाइलाइट्स के थ्रू जो हमारा खुद का जी पी एस सिस्टम है आई एन एस एस वो काम करता है ठीक है जो जी पी एस है उसके अंदर चौबीस पच्चीस सैटलाइट है वो तो पूरी प्लानट अर्थ को कवर करता है ये वाला भी सिर्फ इंडिया के आसपास इंडिया और उसके आसपास की कंट्रीज को ही कवर करता है आने टाइम में अगर इसमें भी हम सेटेलाइट्स बढ़ा देंगे तो ये भी जीपीएस की तरह पूरी दुनिया को कवर कर पाएगा ठीक है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आई या फिर इसको नाविक के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट नेक्स्ट है परम सिद्धि परम सिद्धि क्या है इंडिया ए आई सुपर कंप्यूटर अमंग वर्ल्ड टॉप 500 मोस्ट पावर नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर मतलब कि जो दुनिया में 500 सबसे बड़े सुपर कंप्यूटर उसमें अब इंडिया का भी एक सुपर सुपर कंप्यूटर का नाम आ चुका है उसका नाम है परम सिद्धि ठीक है तो परम सिद्धि जो हमारा खुद का सुपर कंप्यूटर है वो इस टाइम पे दुनिया की 500 सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में आ चुका है इसका रैंक था सिक्सटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ठीक है परम सिद्धि अगर आपसे पूछा है क्या ये हमारा एक सुपर कंप्यूटर है इस दुनिया की जो टॉप पाँच सुपर कंप्यूटर की लिस्ट है उसमें यह सिक्सटी थर्ड रैंक पर ठीक है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्या नेक्स्ट है आप, आपको बताऊंगा हमारी कंट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है गगनानंद मिशन ठीक है इसके बारे में बजट में भी बात की गई थी गगनानंद मिशन के बारे में गगनानंद मिशन का मैं आपसे पूछू स्पेशल क्यों है तो ये हमारी कंट्री का फर्स्ट मैंड मिशन होने वाला है तो हमारी कंट्री का जो फर्स्ट मैंड मिशन है उसका नाम है गगना मैंड मिशन मतलब हम यहाँ पर पहली बार ह्यूमन बीग्स को इंडियंस को स्पेस में भेजेंगे तो अब तक इसरो तो बहुत सारे मिशन लॉन्च कर चुका है पर उनमें से किसी भी मिशन में यहाँ पर ह्यूमन बींग्स को नहीं भेजा गया था ठीक है अब तक हमने कभी भी इंडिया से ह्यूमन बींग्स को लॉन्च नहीं किया पर गगनान मिशन हमारी कंट्री का फर्स्ट मिशन होगा ठीक है अब गगनान मिशन का टेस्टिंग भी करनी थी आप सीधे तो नहीं ह्यूमन बींग्स को बिठा दोगे आप एक दो बार टेस्ट भी करोगे तो इसमें दो बार टेस्ट करना था और एक बार फाइनली आपको ह्यूमन बींग्स को भेजना था ठीक है तो हुआ क्या वैसे तो गगनयान मिशन का एक टेस्ट अब तक हो जाना चाहिए था पर कोरोना वायरस की वजह से इसका वो टेस्ट नहीं हो पाया अब इसकी टेस्टिंग शुरू होगी 2021 के एंड में ठीक है और अगले साल गगनयान मिशन को कर दिया जाएगा मतलब 2022 में आप यहाँ पर इंडियंस को स्पेस में जाता देख लोगे वो इसरो उनको भेजेगा और वो इंडिया के लैंड से ही स्पेस में जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर ये यह न्यूज़ क्या थी गगनयान मिशन से रिलेटेड कि गगनयान मिशन के लिए कुछ पार्ट्स है जो इसरो के अलावा और ऑर्गेनाइजेशन बना रही है जैसे यहाँ पर बताया गया एल एन एक हमारी प्राइवेट कंपनी है लास्ट सैन टुब्रो एल एन टी डिलीवर्स बूस्टर सेगमेंट द फर्स्ट लॉन्च हार्डवेयर टू इसरो ठीक है तो अभी गगनयन बन रहा है रेडी हो रहा है इसका पहले एक ट्रायल किया जाएगा उसमें कोई भी ह्यूमन नहीं डाल जाएगा फिर एक और ट्रायल किया जाएगा वहाँ पर भी कोई ह्यूमन नहीं होगा फाइनली जो थर्ड वाला टेस्ट होगा वहाँ पर ह्यूमन्स को रखा जाएगा ठीक है तो यहाँ पर जो गगनयन मिशन है मेरा उसके बारे में थोड़ी डिटेल डाल दिया गगनयन मिशन के लिए इंडिया के चार इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो ट्रेनिंग लेने के लिए रशिया गए हुए क्यों क्योंकि इंडिया खुद तो अभी तक कभी हमने ह्यूमंस को भेजा नहीं है स्पेस में तो हमको आइडिया नहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि किस तरह से ह्यूमंस को ट्रेंड कराया जाता है पर रशिया को एक्सपीरियंस है तो चार इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स रशिया गए हैं पर इन चारों में से तीन ही असल में स्पेस में जाएंगे ठीक है तो इनमें से तीन जाएंगे स्पेस में पाँच से सात दिनों के लिए वो अर्थ के आसपास ऑर्बिट करेंगे और उसके बाद वो वापस आ जाएंगे तो इनको यहाँ कहीं से लॉन्च किया जाएगा इसरो की लॉन्चिंग फैसिलिटी से पाँच से सात दिनों के लिए वो अर्थ के आसपास ऑर्बिट करेंगे और गुजरात के पास ओशन में ठीक है जो गुजरात के पास ओशन आएगा अरेबियन सी वहाँ पर कहीं उनको वापस लैंड करवाया जाएगा मतलब वो पानी में लैंड करेंगे ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दो हजार बाईस में इसको लॉन्च किया जाएगा और पैसा जो खर्च करेंगे दस हजार करोड़ के आसपास हम पैसा खर्च करेंगे गगनयान मिशन के लिए उसके अलावा यहाँ पर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि जब हम एक मैन मिशन कर लेंगे मतलब जब हम ह्यूमन बींग्स को स्पेस में भेज देंगे तो इंडिया कौन सी भी कंट्री बन जाएगा जिसने एक मैन मिशन किया मतलब जिसने ह्यूमन बींग्स को स्पेस में भेजा है तो आपको पता है यूएसए ये चीज़ कर चुका है रशिया ये चीज़ कर चुका है ठीक है तो इंडिया तीसरी नहीं बनेगा चाइना भी एक मैन मिशन कर चुका है और इंडिया बनेगा चौथी कंट्री तो दुनिया की चौथी कंट्री बन जाएगा इंडिया जो कि खुद के ह्यूमन बींग्स को स्पेस में भेज सकता है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है एमआरएनए टेक्नोलॉजी के बारे में तो यहाँ पर न्यूज है एमआरएनए टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कोविड नाइन्टीन वैक्सीन फॉर दी फर्स्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ देखो कोई भी वैक्सीन बनाने को बहुत सिंपल तरीका क्या होता है जैसे हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई थी उसका तरीका क्या था उसका बहुत सिंपल तरीका था जो कोरोना वायरस है ठीक है उसका एक स्ट्रेन अलग कर दो वायरस से आप ऐसा मान लो कि वायरस में से एक उसका कण या फिर एक उसका पार्ट अलग करके उसको अपने कंट्रोल कंडीशन में ले आओ फिर उस पार्ट को बहुत ज़्यादा वीक कर दो कि वो आपकी बॉडी में ज़्यादा डैमेज ना कर पाए जब आपने वायरस का एक स्ट्रेन अलग कर दिया और उसको बहुत ज़्यादा वीक कर दिया फिर उसको किसी की बॉडी में डालो इससे होगा क्या इससे वो आपको ज़्यादा तंग नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने उसको पहले ही बहुत ज़्यादा वीक कर दिया ठीक है और जब वो आपकी बॉडी में जाएगा तो आपकी बॉडी में तो एक वायरस की तरह ही अटैक करने की कोशिश करेगा पर वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका होगा जिसकी वजह से आपकी बॉडी उसे ठीक से लड़ पाएगी एक वायरस तो आपकी बॉडी को तंग करता है पर एक वीक स्ट्रेन आपकी बॉडी को इतना तंग नहीं कर पाएगा और आपकी बॉडी उससे लड़के उसको खत्म कर देगी पर ये इसको हम वैक्सीन क्यों बोलते हैं वैक्सीन हम इसको इसलिए बोलते हैं कि अब आपकी बॉडी को पता लग जाएगा कि इस तरह का वायरस एग्जिस्ट करता है इससे हम लड़ना कैसे बॉडी को ठीक है तो अगर मान लो आपकी बॉडी में एक बार वैक्सीन डाल दी मतलब आपकी बॉडी में बहुत ही वीक फॉर्म ऑफ वायरस डाल दिया और आपकी बॉडी उससे लड़ भी ली ठीक है उसके बाद अगर आपको ये असली वाला वायरस भी आपकी बॉडी में आ गया ना तो आपकी बॉडी को ये पता होगा कि इससे लड़ना कैसे तो उसके बाद आपको वो ज़्यादा डैमेज नहीं कर पाएगा इसको बोलते हैं वैक्सीन सिंपली ठीक है पर ये स्टैंडर्ड तरीका होता रहा है वैक्सीन डालने का अभी यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं एम टेक्नोलॉजी तो एम क्या है मैसेंजर राइक्लो न्यूक्लाइट एसिड ठीक है तो ये एक तरह से नई टेक्नोलॉजी नया तरीके से एक वैक्सीन बनाने की कोशिश की गई थी जो मैंने आपको सुनाया वो स्टैंडर्ड तरीका था तो एम आर टेक्नोलॉजी के अंदर क्या किया गया इसके थ्रू आपकी बॉडीज को एक मैसेज भेजेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जब ये वाली वैक्सीन आप लोगे आपकी बॉडी को मैसेज भेजा भेजा जाएगा कि ज़्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स बनाओ ताकि अगर कोई भी चीज़ कोई भी वायरस बाहर से आता है तो आप उससे लड़ सको ठीक है आई होप आपके दोनों के बीच में फर्क पता लग चुका है ठीक है फिर से यहाँ पर स्पेस एक्स की बात आ गई स्पेस एक्स दुनिया का फर्स्ट स्टार्टअप बना था 2020 में तो 2020 में स्पेस एक्स दुनिया का फर्स्ट स्टार्टअप नहीं सॉरी फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बनी जिसने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में छोड़ा मतलब अब तक एस्ट्रोनॉट्स जब भी स्पेस में गए वो किसी ना किसी सरकारी कंपनी हो सकता है यूएसए की सरकारी कंपनी रशिया की सरकारी कंपनी के थ्रू गए पर दो में स्पेस बन गया दुनिया की फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जिसने की एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा ठीक है बहुत बड़ी चीज़ है इसको आप एक याद कर लेना इस चीज़ को नेक्स्ट इसरो ने लॉन्च किया ऑल वेदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट उसके अलावा नॉर्थ कस्टमर सैटेलाइट थी तो ये जो ऑल वेदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था इसका नाम रखा इसरो ने यू एस वन ठीक है तो आपको पता होना चाहिए 2020 में 2020 में इसरो ने ज़्यादा लॉन्चेस तो किए नहीं तो 2020 के हिसाब से इसरो का जो पहला लॉन्च किया गया था ठीक है जो नवंबर में कुछ किया गया था तो 2020 में जो इसरो का पहला लॉन्च था उसका नाम था यू एस जीरो वन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटलाइट ठीक है तो इसको आप याद रख लो कि 2020 में इसरो ने जो पहला लॉन्च किया था इस पूरे लॉकडाउन सबके बाद उसका नाम था ई एस जीरो वन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटलाइट अब इसको भी ई ओ एस जीरो वन के बोल रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि हमारा एक नया नॉमन क्लिचर है नया नाम रखने का तरीका है तो उसमें जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सटेटेट्स अब तक चले गए उनके नाम को नहीं चेंज किया जाएगा पर अब जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटलाइट्स होगा अगले वाले का नाम रख लेंगे जीरो टू उससे अगले वाले का जीरो थ्री तो नाम रखने का तरीके को थोड़ा सा हमने ईजी कर दिया ठीक है इतने से यहाँ पर चीज़ है अगर आप में से मुझे कोई बता सके कि, कि इसरो के सबसे पावरफुल रॉकेट का नाम क्या है इसरो तो के बाद जो सबसे पावरफुल रॉकेट है उसका नाम क्या है ये पावर इसी सेम रॉकेट के थ्रू हमने चंद्रयान एंड टू का मिशन स्पेस में भेजा था तो अगर आप में से किसी को पता है आप यहाँ पर जरूर लाइव चैट में लिखो मैं आप, आपकी लाइव चैट को चेक कर रहा हूँ ठीक है तो इसरो के सबसे पावरफुल रॉकेट का अगर नाम किसी को पता है आप उसको मैंशन ज़रूर कर देना यहाँ पर ठीक है बस एक मिनट का हम यहाँ पर ब्रेक भी ले लेते हैं मैं इसको चार्जिंग पर भी लगा दूँ ठीक है स्टूडेंट्स तो मैंने आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था और उसका बिल्कुल सही आंसर दिया यहाँ पर लकी गेमर्स जो भी आपका यहाँ पर असली नाम है ठीक है तो बिल्कुल सही आपने सही आंसर अटैम्प्ट किया यहाँ पर कि इसरो के जो सबसे पावरफुल रॉकेट है उसका नाम है जी एस एल वी मार्क थ्री ठीक है तो जी एस एल वी मार्क थ्री बिल्कुल सही आंसर है इसरो के सबसे तो उधर आप जो बोल रहे हो जी एस एल वी वो भी ठीक है पर जी एस एल वी मार्क थ्री बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है ठीक है वो इसरो का इस टाइम पर सबसे पावरफुल रॉकेट है इसी रॉकेट के थ्रू हमने चंद्रयान एन टू को भी स्पेस में लॉन्च किया था ठीक है वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स पे तो ये वाली चीज़ हमने कर ली थी नेक्स्ट चलते हैं तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर लगा दिया इसरो के सारे रॉकेट्स जैसे बहुत पहले इसरो यूज़ करता था एस एल अब तो इसको यूज़ नहीं करते फिर ए फिर उसके बाद आया पी एस फिर आया यहाँ पर जी एस एल वी मार्क टू और जी एस एल वी मार्क थ्री तो ये वाला वो रॉकेट था जिसके थ्रू इसरो ने यहाँ पर चंद्रयान एंड टू मिशन को लॉन्च किया था ठीक है तो आज हम ज़्यादा यूज़ करते हैं या तो पी एस एल वी या तो जी एस एल वी ठीक है और आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कोई भी इनमें से रॉकेट है ना असल में जो हमारा सैटेलाइट है वो इस एरिया में होता है बिल्कुल टिप वाले एरिया में हर एक में सबसे ऊपर वाले एरिया में ही हमारा सैटेलाइट है बाकी सब इस जो पूरा हिस्सा इसका काम होता है उस सैटेलाइट को स्पेस तक पहुँचाना ठीक है अगर आप में से मुझे कोई बता सके उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं जितनी वेलोसिटी आपको चाहिए किसी भी चीज़ को प्लैनेट अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालने के लिए उस विलॉसिटी को क्या बोलते हैं जो विलॉसिटी आपको चाहिए अगर आप प्लानिट अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलना चाहते हो ठीक है थीके? अगर किसको इसका सही आंसर पता है आप बताओ जीएसएल वी लकी और उदय आप लोगों ने यहाँ पर सही अटैम्प्ट किया ठीक है तो ये देख सकते हो आप जीएसएल वी मार्क थी सबसे पावरफुल रॉकेट जो कि इस टाइम इसरो यूज करता है ठीक है नेक्स्ट है यहाँ पर नासा और इसरो से रिलेटेड न्यूज तो नासा जो कि यूएसए की नेशनल स्पेस एजेंसी और इसरो जो हमारी नेशनल स्पेस एजेंसी ये लोग लॉन्च करेंगे एक निसार सैटेलाइट बहुत ही स्पेशल सैटेलाइट होगा 2022 में इसको लॉन्च किया जाएगा ठीक है तो निसार होगा क्या असल में एक तरह का रेडार होगा ड्यूअल फ्रीकवेंसी रेडार इस तरह का रेडार अब तक किसी भी कंट्री ने दुनिया के किसी भी कंट्री ने अब तक नहीं लॉन्च किया स्पेस में तो बहुत बड़ी चीज़ होगी कि इसरो और नासा मिलकर यहाँ पर निसार सेटलाइट को लॉन्च करेंगे ठीक है अर्पण आपने बिल्कुल सही आंसर किया है एसकेप विलॉसटी ठीक है तो एसकेप विलासिटी उसके अलावा लकी उदय सब आप लोग सही आंसर कर रहे हो वो विलासिटी जो कि आपको स्पेस में पहुँचने के लिए लगेगी अगर आप अर्द से जाना चाहते हो तो अगर आपकी एस्केप विलासिटी है तभी आप पहुँच पाओगे ठीक है तो मोहित ने यहाँ पर लिख भी दी कि स्केबलास्टिंग होती है कितनी इलेवन पॉइंट किलोमीटर पर सेकेंड ठीक है एक और मैं आपसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ अगर आपको ये क्वेश्चन पता है तो आपके आपकी स्पेस की नॉलेज अच्छी है उस लाइन को क्या बोलते हैं जो लाइन डिफरेंस बताती है स्पेस और अर्थ के एटमॉस्फेयर के बीच देखो अर्थ के एटमॉस्फेयर को बहुत सारी लेयर्स uh, में बांटा गया ठीक है सीटो स्वेयर पर एक लाइन है एक लाइन है वो लाइन बताती है इमेजिन लाइन है ऐसे बताती है उस इमेजिन लाइन के एक तरफ है प्लानट अर्थ का एटमॉस्फियर और दूसरी तरफ है स्पेस अगर आप में से किसी को उस लाइन का नाम पता है तो प्लीज़ उसका नाम आप मुझे यहाँ पर बताओ ठीक है तो हम डिस्कस करे थे नासा और इसरो ने एक मिशन लॉन्च किया निसार मतलब लॉन्च करेंगे निसार सेटलाइट जो कि एक तरह से एक रिडार होगा और ड्यूअल फ्रिक्वेंसी रिडार होगा दो में इसको लॉन्च किया जाएगा ठीक है तो निसार के बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है नासा और इसरो मिलकर एक सिंथेटिक अपेचर रडार मिशन को यहाँ लॉन्च करेंगे 2022 तक और इसकी खास बात क्या होगी कि एक ड्यूअल फ्रीक्वेंसी ठीक है ये एक ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपेचर रडार होगा तो इतना आपको साइंटिफिक टर्म में घुसने की जरूरत नहीं कि इसका मतलब क्या होगा आपको बस ये पता होना चाहिए निसार एक मिशन है जो इसरो और नासा मिलकर लॉन्च करेंगे दो में ठीक है मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा कि अगर आप में से कोई बता सके कि स्पेस और एटमॉस्फेयर को अलग करने वाली एक लाइन है उसका लाइन का नाम क्या है ठीक है अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप यहाँ पर जरूर अटम्प्ट करो नेक्स्ट यहाँ पर एक इवेंट की बात की जा रही है रेस 2020 तो रेस 2020 ट्वेंटी क्या ये आर्टिफल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रिसेंटली सबमिट हुआ था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब अगर एक मशीन खुद चीज़ों को समझ सकती है ठीक है उसके पास खुद का मान लो एक तरह से दिमाग आएगा तो उसको बोलोगे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे इसके थ्रू आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें बनाई जाएंगी तो इंडिया भी चाहता है कि हमारे यहाँ भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड रिसर्च हो हम भी इसका पार्ट बन सके तो उसी को सपोर्ट करने के लिए रेस दो कुछ ही दिनों पहले इंडिया ने यहाँ पर होस्ट किया था ठीक है हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इस चीज़ को होस्ट किया था तो लकी देखो आप बोल रहे हो एग्जोसविर आप असल में क्या बता रहे हो आप बता रहे हो सबसे दूर वाली लेयर का नाम ठीक है उस लाइन का नाम मैं आपको बताता हूँ उसका नाम है कर्मन लाइन ठीक है तो कर्मन लाइन असल में वो लाइन है जो कि स्पेस और एटमॉस्फेयर के बीच में एक इमेजिनरी लाइन हमने बना के रखी है ठीक है तो इसके बारे में आप सर्च करना आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पर एक और अगला मिशन uh, शुक्रान ठीक है तो मिशन शुक्रान तो मिशन शुक्रान के अंदर होगा क्या इसरो एक मिशन लॉन्च करेगा टुवर्ड्स वीनस तो वीनस की तरफ हम एक मिशन लॉन्च करेंगे 2025 में तो 2025 में इसरो वीनस की तरफ एक मिशन को लॉन्च करेगा ठीक है और काफ़ी जगह यह भी बताया गया अभी तो ऑफिशियली नहीं अनाउंस किया गया कि इसरो तो के साथ यहाँ पर फ्रांस भी पार्टिसिपेट करेगा इस मिशन में तो इंडिया और फ्रांस मिलकर वीनस की तरफ एक मिशन भेजेंगे 2025 तक उसका नाम होगा शुक्रान ठीक है तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि अगर आप देखो ये हमारे सोलर सिस्टम को तो सबसे पहले मिलेगा मौकरी फिर वीनस फिर अर्थ मार्स जुपिटर सैटन यूनानस नेपच्चुन तो जो ग्रेट कंजक्शन बताया था उसमें जुपिटर और सैटन थे

तो चंद्रयान टू को जब लॉन्च किया गया था पिछले साल ठीक है तो चंद्रयान टू में प्रॉब्लम क्या आई थी इस मिशन का जो लैंडर था इसका जो लैंडर था वो अर्थ के सरफेस पे ठीक से लैंड नहीं कर पाया ठीक है तो चंद्रयान सॉरी पिछले साल नहीं उससे पिछले साल दो हज़ार उन्नीस में ठीक है तो इससे उसका लैंडर था वो ठीक से लॉन्च नहीं हो पाया पर इसमें दो ही चीज़ थी चंद्रयान टू मिशन में एक लैंडर भी था जिसको लैंड करना था मून के सर्फेस पर और एक था ऑर्बिटर ऑर्बिटर का काम था मून के आसपास ऑर्बिट करना इस तरह से ठीक है तो चंद्रयान टू का ऑर्बिटर तो ठीक से पहुंच गया था और वो काम भी ठीक से कर रहा है जो लैंडर था वो ठीक से नहीं पहुंच पाया और वो काम नहीं कर पाया ठीक है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पर तो इस तरह से था चंद्रयान एन टू मिशन पहले इसको अर्थ से लॉन्च किया गया फिर उसकी ऑर्बिट बढ़ा बढ़ा के बढ़ा बढ़ा के इसको मून के ऑर्बिट में भेजा गया और वहाँ जाके मून के ऑर्बिट में जो इसका ऑर्बिटर था वो तो वहीं रुक गया लैंडर का अगला काम था लैंडर को यहाँ पर लैंड करना था ठीक है और इस लैंडर का नाम था विक्रम लैंडर और विक्रम लैंडर के अंदर आगे एक रोवर भी था जिसका काम था अर्थ मून के सरफेस पे से आगे पीछे जाना ठीक है एक तरह से गाड़ी ड्रोन की तरह

एक तरह से जो एक तरह से जो दो हज़ार बीस ऐसा है जब हमारी कंट्री गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्पेस को प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन किया मतलब प्राइवेट कंपनीज में अगर चाहें तो वो भी स्पेस में अपनी हिस्सेदारी रख सकती है मतलब कि वो भी स्पेस में अपने मिशन कर सकती हैं तो इंडिया की जो फर्स्ट कंपनी है ठीक है जो इंडिया की फर्स्ट कंपनी है उसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जिन्होंने एक टेस्ट किया अभी सिर्फ इन्होंने एक टेस्ट किया पता नहीं अपना कब मिशन लॉन्च करेंगे पता नहीं कब जाके इनका एक सैटेलाइट स्पेस में पहुंचेगा बस स्काई रूट एरोस्पेस आप याद रख सकते हो हमारी कंट्री की फर्स्ट प्राइवेट कंपनी जिन्होंने रिसेंटली एक टेस्ट किया एक रॉकेट का ठीक है और ये क्लेम करते हैं कि रॉकेट आगे जाके ठीक से काम कर सकता है और ये इसके थ्रू इस स्पेस में सैटेलाइट्स भी भेज सकते हैं ठीक है इस रॉकेट का इन्होंने नाम क्या रखा है इसका नाम रखा है रमन तो हमारी कंट्री के जो एक नोबल लॉरियर थे सी रमन उनके नाम पर इस रॉकेट का नाम इन्होंने रखा हुआ ठीक है स्टूडेंट्स एक मिनट ठीक है स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं ठीक है नेक्स्ट चीज तो मैंने आपको यहां पर क्या बताया अगर आपसे पूछा है कि इंडिया में कौन सी प्राइवेट कंपनी है जो आगे जाके अपने खुद के मिशन लॉन्च कर सकती है तो आप कह सकते हो स्काई रूट एरोस्पेस अभी इस रेस में सबसे आगे चल रहा है और कोई भी ऐसी प्राइवेट कंपनी नहीं है जिसने अब तक इतना भी किया हो कि एक रॉकेट भी उन्होंने यहाँ पर बनाकर इसको लॉन्च किया हो ठीक है तो स्काई रूट एरोस्पेस कुछ हद तक काम कर रहा है ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया उसके बारे में सारी डिटेल और सब कुछ उसके बारे में रिलीज कर दिया गया इसका नाम रखा गया इन स्पेस ई इन स्पेस क्या होगा इन स्पेस जिसके यहाँ पर फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथरनाइजेशन ठीक है असल में अब इसरो है इसरो का काम तो है लॉन्च करना ठीक है इसरो का और तो का काम नहीं है इसरो का काम है रिसर्च करना लॉन्च करना पर इसरो के थ्रू बहुत सारी दुनिया की कंपनीज़ और बहुत सारी दुनिया की कंट्रीज़ भी अपने लॉन्च कराना चाहती हैं मतलब इसरो के लिए जो आप कह सकते हो कि प्रोजेक्ट्स लेके आना इसरो के जो भी यहाँ पर आ, और कमर्शलाइजेशन के प्रोजेक्ट्स हैं वो संभालेगी इन स्पेस तो इन स्पेस एक लौती नहीं है इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन उसका नाम है अंतरिक्ष ठीक है तो अंतरिक्ष और इसरो और इन स्पेस इन दोनों का काम क्या है इन दोनों का काम है कि इसरो के लिए दुनिया भर में प्रोजेक्ट्स ढूंढेंगे अगर कोई कंट्री चाहती है कि इसरो उनका सैटेलाइट लॉन्च करे तो वो सब डायरेक्टली इसरो के पास नहीं या तो इन स्पेस के पास आएंगे अंतरिक्ष के पास आएंगे ठीक है तो ये इसरो की कमर्शियल आम है इतना आप याद रख सकते हो और इसरो काफी सारा पैसा कमाता है दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रीज के मिशन को लॉन्च करके ठीक है तो इसरो को इंडियन गवर्नमेंट के मिशन भी लॉन्च करने होते हैं वैसे भी प्राइवेट मिशन लॉन्च करता है दुनिया की और कंट्रीज के मिशन भी इसरो लॉन्च कर देता है ठीक है नेक्स्ट नासा पर प्रिपेयर टू लॉन्च दी मार्स रोवर जिसका नाम रखा गया ठीक है तो नासा ने अब ये लॉन्च हो चुका है नासा ने मार्स की तरफ एक मिशन लॉन्च किया इसका नाम रखा है परसीवरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है परसीवेरेंस तो अभी हम लोग मार्स पे सिर्फ अपना एक ऑर्बिटर पहुंचा सके मतलब मार्स के आसपास एक हमारा सेटेलाइट है जो ऑर्बिट करता है नासा यहाँ पर एक लैंडर ऑलरेडी पहुंचा चुका है दूसरा मिशन इन्होंने यहाँ पर भेज दिया इसका नाम रखा गया ठीक है तो परसीवरेंस एक बहुत बड़ा आप देखो इस तरह का एक ड्रोन कह लो इसको एक लैंडर कह लो इसमें टायर टूर सब लगाए हैं उन्होंने और ये रिसर्च करेगा मार्स के सरफेस पर जाकर ठीक है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है परसिवरेंस मिशन अगर आपसे पूछा है परसीवरेंस क्या है तो ये नाश्ता का एक रोवर जो कि मार्स की तरफ इन्होंने भेजा हुआ है ठीक है ठीक है यहाँ पे बताया जा रहा है मेक इन इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रायोस्टैट फॉर ग्लोबल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट पहले तो आपको पता होना चाहिए ग्लोबल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट है क्या फिर आपको मैं बताता हूँ ये क्या बात कर रहे हैं ग्लोबल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ठीक है इसको बनाया जा रहा है फ्रांस में न्यूक्लियर एनर्जी में अभी हम लोग ज्यादा समझ पाए फीजन को फीजन मतलब किसी इसका टूटना तो अभी जो हम न्यूक्लियर एनर्जी लेते हैं यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में वहां जो रिएक्शन है वो फीजन है उसमें चीजें टूट रही हैं एक और रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं फ्यूजन फ्यूजन के बारे में अभी हम ज़्यादा नहीं जान पाए इसके अंदर फ्यूजन मतलब चीज़ों का जुड़ना इसमें जो एनर्जी निकलेगी ना अगर हम फ्यूजन रिएक्शन समझ पाए वो फ्यूजन के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगी पर अभी इसको समझने के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है दुनिया में ग्लोबल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट और इंडिया भी इसका पार्ट है तो क्योंकि इंडिया इस प्रोजेक्ट का पार्ट है तो इंडिया को कुछ कुछ काम दिया गया था कि आपको इस प्रोजेक्ट के लिए ये चीज़ बनानी है वो चीज़ बनानी है इसमें से इंडिया को एक क्रायोस्टेट बनाना था ठीक है तो इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने एक क्राइ स्ट्रेड बनाया जो कि दुनिया का असल में सबसे बड़ा क्राइस स्ट्रेट है इंडिया ने ये काम किसको दिया हमारी कंट्री ने काम दिया एक प्राइवेट कंपनी इंडिया की लार्सेंट टुब्रो को तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि लार्स टुब्रो ने इस ग्लोबल न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट के लिए क्राइश स्ट्रेड बनाया था उसको डिलीवर कर दिया मतलब इन लोगों को उसने दे दिया ठीक है तो मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ इस प्रोजेक्ट के बारे में तो इसको बोलते हैं आई टी ई आर इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च इसको बनाया जा रहा है फ्रांस में कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो आई टी आर की मेबर कंट्री है चाइना यूरोपियन यूनियन है इंडिया है जैपान है रशिया है साउथ कोरिया यूनाइटेड स्टेट्स है ठीक है और भी कुछ कंट्रीज जुड़ी हुई हैं तो इस प्रोजेक्ट के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखना ही आपको काफी काम में आएगा ठीक uh, है नेक्स्ट फुगाकू फुगाकू क्या क्या यह वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर तो आपसे पूछा जा सकता है दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू असल में किस कंट्री का तो ये जापान का है ठीक है इसको आप याद रख सकते हो तो. तो जापान का सुपर कंप्यूटर फुगाकू जो कि वर्ल्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर ठीक है यूनियन कैबिनेट अप्रूव प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिशन इन स्पेस एक्टिविटीज़ ठीक है यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर जो मैं आपको न्यूज़ बता रहा था कि 2020 में हमारी कंट्री गवर्नमेंट ने स्पेस में ठीक है स्पेस में यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज़ की पार्टिसिपेशन अब अलाउ कर दी है मतलब अब प्राइवेट कंपनीज़ भी स्पेस में अगर चाहें तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ कर सकती है ऐसा नहीं कि सिर्फ अब इसरो को ही अलाउड है ठीक है तो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी जो स्पेस एक्टिविटीज़ है वो ओपन कर दी गई हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने ठीक है अनाउंस किया था तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस को हैंडल करते हैं उन्होंने इस बारे में अनाउंसमेंट की थी ठीक है ठीक है तो यहाँ पर बस लास्ट न्यूज़ है साइंस uh, कैटेगरी की और स्टूडेंट्स आज हम नेशनल और स्टेट्स की जो कैटेगरी उसको शुरू नहीं कर पाएंगे ठीक है थोड़ा सा मुझे uh, थोड़ा इंपॉर्टेंट कुछ काम है तो आज हम साइंस कैटेगरी और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी थी साइंस की ठीक है आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर पढ़ ली हैं तो साइंस कैटेगरी आज खत्म करके आज इस क्लास को हम यहाँ पर खत्म करेंगे कल से ही हम नेशनल और स्टेट्स uh, वाली जो न्यूज़ है उसको कल ही करेंगे ठीक है तो uh, यहाँ पर लास्ट वाली पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं तो डी ने डेवलप किया था सुमेरू पैक सुमेरू पैक क्या था आपको पता है हमारी कंट्री में जब कोरोना वायरस आया तो सबको जो भी मेडिकल प्रोफेशन में थे उनको पीपी किट डालनी पड़ती थी पीपी -पी मतलब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट ठीक है तो पीपी किट में काफ़ी सारा स्वेटिंग होती थी जब हमारी कंट्री में जिस तरह का मॉइस्चर है उसमें बहुत सारी स्वेटिंग होती थी तो यहाँ जो डी ने बनाया उन्होंने क्या बनाया उन्होंने स्मेरू पैक बनाया इसके थ्रू क्या है आपकी पी, -पी किट के साथ ही इसको जोड़ा जा सकता है और ये पी, -पी किट को ठंडा रखेगा ठीक है तो सेरू पैक अगर आपसे पूछा है क्या चीज़ है इसमें कोई बिजली की जरूरत नहीं है बस इसको आप अटैच कर दो अपनी पीपी किट के साथ इसमें कुछ रिएक्शन होता है उसके थ्रू ही आपको हेल्प करता था हो सकता है बैटरी में चलता हूँ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता पर यह आपके पी किट को ठंडा रखेगा जैसे यहाँ इमेजेस दिखाई हुई हैं बिना सुमेरू पैक लगाए को पूरी स्वेटिंग हो जाती है एक डॉक्टर को और अगर आप पीपी किट के सुमेरू पैक के साथ एक पीपी किट लगाते हो तो आप यहाँ पर स्वेटिंग नहीं होगी ठीक है ये था जो कि डीआरडीओ ने बनाकर दिया था तो इसके साथ हमने यहाँ पर जो साइंस और टेक्नोलॉजी की कैटेगरी है वो खत्म कर दिया कल हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी कैटेगरी करेंगे नेशनल और स्टेट न्यूज़ ठीक है तो नेशनल स्टेट न्यूज़ और उसके अलावा कोशिश करेंगे कल डिफेंस भी खत्म कर दें तो ये दो कैटेगरीज कोशिश करेंगे कल खत्म कर दें नेशनल न्यूज़ और स्टेट न्यूज़ और उसके अलावा डिफेंस की कैटेगरी डिफेंस कैटेगरी से बहुत सारे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर कर सकते हो ठीक है तो आज मैं साढ़े सात तक की क्लास नहीं ले पाऊंगा सात बजे हम इस क्लास को खत्म कर रहे हैं अब अगर आप लोगों का को कोई भी डाउट है तो आपको मैं यहाँ पर टाइम दे रहा हूँ अपने डाउट को पूछ लो ठीक है मुझे थोड़ा सा जरूरी काम है तो मुझे जाना पड़ेगा साढ़े सात तक इस क्लास को हम यहाँ नहीं कर सकते पर अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है अगर आपको डाउट पूछें तो आप पूछ सकते हो कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में लगी आप अभी पूछ सकते हो ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स तो मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है आई होप आपको स्लाइड्स सबको मिलनी है यहाँ पर अब शुरू हो गई है ठीक है सबको स्लाइड्स मिल गई है वैसे तो अगर आप इस वीडियो को भी देखोगे और आपका एग्ज़ाम है वीकेंड पर तो आपको स्लाइड्स को ज़्यादा रिवाइज़ करने की जरूरत नहीं अगर आप देखना चाहते हो आप देख सकते हो पर ये स्लाइड्स आपके वैसे बहुत काम आएंगे ठीक है आगे जाके आपको कोई इंटरव्यू देना है एस देना है देना वहाँ पर भी ये स्लाइड्स आपके बहुत काम आएंगी तो इन स्लाइड्स को आप थोड़ा सा ध्यान से मतलब रखना और ये काफ़ी काम आएंगे आपके क्योंकि इसमें बहुत सारा डाटा साथ में जोड़ा गया ठीक है तो अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो अभी आपके पास टाइम है अपने डाउट को पूछ लो नहीं तो मेरी तरफ से इस क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ सक्सेसफुल डे देखो लकी जो आप पूछ रहे हो कि स्पेस करंट अफेयर्स कितने मार्क्स के तो ऐसा नहीं है आप हाँ ये पता पता कर सकते हो कि करंट अफेयर्स के कितने आएंगे पर स्पेस के कितने आएंगे एनवायरमेंट कितने आएंगे ये नहीं हम कर सकते इसलिए हम क्या करते हैं कलेक्टिवली सारे करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं ठीक है थीका? कि कहाँ से आ जाए हमको कुछ नहीं बताता कि इस सेक्शन से आ जाए तो हम जितने भी सेक्शन है ठीक है जैसे हमने कल अब तक कितने कर लिए अब तक हमने छः सेक्शंस कर लिए तो और थोड़े से जो बचे हैं ये सेक्शन हम सारे कर लेंगे कंप्लीट लेंगे सारे सेक्शन ताकि ऐसा कुछ ना हो कि हमारा कोई भी सेक्टर बच जाए ठीक है थीका? तो जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन सबको यहाँ पर कवर कर लेंगे ठीक है ठीक है स्टूडेंट्स इस क्लास को यहाँ पर खत्म करते हैं कल वाली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि नेशनल और स्टेट्स की न्यूज़ वो खत्म करें और डिफेंस खत्म करें तो कल की काफ़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज को कल हम खत्म कर देंगे ठीक है थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड हैव अ सक्सेसफुल डे